हेलो फ्रेंड्स, द बर्निंग इश्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नज़ीर। दोस्तों, आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 6 नवंबर और आज मंडे है और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। तो आज देख लेते हैं हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फ्रंट पेज पे ये जो न्यूज़ दिख रही है, प्रिंसेस मिनिस्टर्स अरेस्टेड इन सऊदी अरबिया पर्ज। तो एक वर्ड जो पर्ज यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है वायलेंटली या एब्रप्टली अगर किसी को आप रिमूव करते हैं या एक्सपेल करते हैं तो उसके लिए पर्ज यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये देखिए न्यूज़ जो है, ये सऊदी फैमिली जो है, आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरबिया जो है एक मोनार्क कंट्री है, राइट। वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है, तो वहाँ पे ये प्रिंसेस वगैरह ही जो होते हैं वही सारा वही मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। तो वही ये पूरा देश चलाते हैं वहाँ पे। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि देखिए, ये है जो ये हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनके फादर जो हैं शाह सलमान, ठीक है ना। तो ये लोग क्या है कि जब से इन्होंने क्या किया था, ये चूंकि शाह सलमान के आने से पहले इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। मतलब एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि ये कोई ऐसा फिगर नहीं था जिसको लोग जानते हो, लेकिन इनके फादर जब से आए तो उन्होंने अपने भतीजे को जो इनकी जगह पे थे उनको हटा दिया, ठीक है। उनका नाम था नायफ, तो उनको हटा के इनको प्रिंस बना दिया। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म और इसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्म वहाँ पर ला रहे हैं, तो उसी रिफॉर्म से रिलेटेड ये भी एक कदम है। हुआ यूँ है कि इन्होंने एक जांच शुरू की थी, प्रोब शुरू किया था, और ये प्रोब था रिलेटेड वहाँ पे एक बाढ़ आई हुई थी 2009 में जिद्दा में, तो उसमें ये प्रोब की बात है। इसके अलावा एक और केस है मर्स, आप लोगों को पता होगा, MERS, इसका मतलब होता है मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो इन दो चीज़ों में ये जाँच चल रही थी, तो उनमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बहुत सारे प्रिंसेस हैं और मिनिस्टर्स हैं वहाँ के, और सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है इन गिरफ्तार होने वालों में, ये अल वलीद बिन तलाल। ये जो सामने फिगर दिख रहा है अल वलीद बिन तलाल का, ये इंसान जो है, ये जो वेस्ट एशिया का सबसे रिचेस्ट इंसान है, राइट। और इनका देखिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट है एप्पल में, ट्विटर में, न्यूज़ कॉरपोरेशन, सिटी ग्रुप, इन सब में इनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इसकी वजह से खैर मार्केट, शेयर मार्केट में थोड़ा सा आपको असर मिल सकता है देखने को, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए अगर मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाऊँ, तो शेयर्स इन किंगडम होल्डिंग 95% ऑफ विच इज़ ओन्ड बाई प्रिंस, ठीक है। 95% देखिए इनका हिस्सा है अल वलीद बिन तलाल का, और लिख रहे हैं कि डाइव 9.9% एट द सऊदी स्टॉक एक्सचेंज ओपन ऑन द संडे, राइट। तो ये सारी चीज़ें, और तो हमारे ये इसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत हम इसको देख लिए, ठीक है। तो आप याद रखें इनका नाम प्रिंस, ये जो है वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान, इनके फादर शाह सलमान जो वहाँ के रूलर है, ये वलीद बिन तलाल, ये बहुत ही फेमस फिगर है, राइट। सबसे रिचेस्ट इंसान है यहाँ के वेस्ट एशिया के। तो ये सारी चीज़ें और यहाँ पे सब लिखा हुआ है क्या क्या जैसे हुआ है। तो इनके बारे में थोड़ा ये है कि ये रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, वुमेन रिफॉर्म, वुमेन राइट की बात करते हैं। अभी आप लोगों को पता होगा वहाँ पे वुमेन को राइडिंग और ड्राइविंग अलाउ कर दी गई है, राइट। तो वो इनके रिफॉर्म का ही एक स्टेप है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, और एक लाइन पढ़ ही देता हूँ मैं। प्रोमिनेंट बिलियनर अलवलीद बिन तलाल वाज अमंग द प्रिंसेस अरेस्टेड लेट ऑन सैटरडे, अ गवर्नमेंट सोर्स टोल्ड, इमिडिएटली आफ्टर अ न्यू एंटी करप्शन कमीशन हेडेड बाई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वाज स्टेबलाइज बाई, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये इनके द्वारा हेड किया गया ये कमीशन था और इन्होंने ये सारा एक्शन लिया है, राइट। तो बढ़ते आगे अगली न्यूज़ की तरफ। देखिए, पीएम ने कहा है कि हमारी जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, जंग है, वो रुकने वाली नहीं है। और इन्होंने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन जो स्टेप था इंदिरा गांधी ने नहीं लिया तो हमें लेना पड़ा, उन्होंने देश देश हित में नहीं सोचा, अपने हित में सोचा, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने कही है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया जैसे अगर गवर्नमेंट से जाता है तो वो 15 पैसा ही गरीबों को मिल पाता है उसका, ठीक है ना। मतलब 15% ही सिर्फ गरीबों तक पहुंचता है, बाकी बीच में ये गायब हो जाता है। गायब हो जाता है का मतलब ये है कि बीच में लोग जितने इंटरमीडियरी होते हैं ये सारे खा जाते हैं पैसे। तो इन्होंने कहा कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये डायग्नोज तो कर लिया था, लेकिन उस इस मतलब बीमारी, इसको एक तरीके से बीमारी कह रहे हैं, इस बीमारी को डायग्नोज तो कर लिया था लेकिन इसको ट्रीट नहीं कर पाई और वो पूरी तरीके से फेल रहे ट्रीट करने में, तो हमें ये एक्शन लेना पड़ा। इसके अलावा ये राहुल गांधी ने कहा है कि डिलीवर आर क्विट, गवर्नमेंट को कहा है कि आप हॉलो स्पीचेस देना बंद कीजिए, और क्योंकि आप जो है वो प्राइसेस जो है उनके दामों को आप होल्ड करने में, स्टेबल करने में नाकाम रहे और जॉब्स क्रिएट करने में भी नाकाम रहे, ठीक है। बढ़ते आगे,
आगे की जो न्यूज़ है, देखिए यहाँ पे फिर टेक्सास में ये शूटिंग हुई है और इसमें कैजुअल्टीज हुई हैं, ठीक है, मास शूटिंग हुई है। और एक हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है, देखिए ये वहाँ पे हॉकी में हमने एशिया खिताब जीत लिया, ठीक है, चाइना को हमने 5-4 से हरा के वहाँ पे एशियन कप का तमगा अपने नाम कर लिया है, राइट। तो ये है एशियन क्वीन, इंडियन ये खिलाड़ी आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो काफ़ी ये खुशी की बात है, गर्व की बात है, ठीक है। पैनल लाइकली टू लोअर जीएसटी रेट, देखिए जीएसटी रेट में जब 10 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें कुछ चीज़ें जो है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनमें कुछ रेट कट किए जा सकते हैं, ऐसा उम्मीदें हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें ये है लोवरिंग टैक्स रेट ऑन गुड्स एज ए हैंडमेड फर्नीचर, राइट, हैंडमेड फर्नीचर हो गया, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इसके अलावा डेली यूजेज आइटम्स लाइक शैम्पू, सिंपली रिटर्न फाइलिंग, ठीक है ना, इन सब यूज़ रिलेटेड ये 28% वाले ब्रैकेट में आती है, और हालांकि ये कॉमन यूज़ की चीज़ है तो इस पे ये रेट कट के चांसेस है। और एक ये टेरर से रिलेटेड कोई सस्पेक्ट पकड़ा गया है मुंबई में, तो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर। अगली न्यूज़ जो देखिए, इन द वाइल्ड इट इज़ कोड ग्रीन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसको भी आप पढ़िएगा। और देखिए ये लोग इन्होंने क्या किया, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनका ग्रुप है और 20 लोगों का ग्रुप है, वैसे ये 35 लोगों का है, 20 इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने क्या किया है कि विलेजर्स जो है, एक देखिए वेस्टर्न घाट में कर्नाटका में एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, तो उसके फ्रिंजेस पे जो लोग रहते हैं, मतलब उसके किनारे जो गांव रहते हैं, तो उनको क्या होती है, काफ़ी दिक्कत होती है उनका, एक्चुअली इनसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अक्सर क्लैशेस होते रहते हैं। तो ये जो है ये एक तरीके से वॉलंटियर का काम कर रहे हैं और जो ट्राइब्स रहती है वहाँ पे उनकी एक तरीके से मदद कर रहे हैं, और दोनों के बीच में एक तरीके से वाइल्ड लाइफ जो ये एक विलेजर्स और जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके बीच ये क्या कर रहे हैं, एक मीडिएशन का काम कर रहे हैं, राइट। तो ये इनका एक तरीके से हेल्प, और इन्होंने टीम का देखिए नाम रखा है स्वाट, स्वाट का मतलब होता है स्विफ्ट वाइल्ड लाइफ एक्शन टीम, ठीक है ना, तो ये इन्होंने नाम रखा है। और इनका एजेंडा है, लिखिए इन्होंने लिखा हुआ है द एजेंडा इज टू बी द आइज ईयर्स एंड इवन द वॉइस ऑफ द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के ये एक तरीके से पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है ना, उनकी आँख कान नाक ये बने हुए हैं। और अगली देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वी फाउंड दैट चेक पोस्ट एट द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट गार्डन लॉक्ड, तो उसमें देखिए वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये रेस कर रहे हैं कि वहाँ पे देखिए टार्चेस की कमी नहीं है, शूज़ राइफल्स जो हैं, जो गार्ड्स जो होते हैं उनके पास ये सारी बेसिक ये इक्विपमेंट्स उन सब की कमी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक अच्छा कदम है ये, देखिए विथ मोर वॉलंटियर्स कमिंग फॉरवर्ड इट मे हेल्प अस क्रिएट टफ अवेयरनेस ऑन कंजर्वेशन, सॉरी एनफ अवेयरनेस और कंजर्वेशन एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग विलेजर्स दैट डिपार्टमेंट इज फॉर देयर वेलफेयर एंड दैट टेक्स एक्शन ओनली अगेंस्ट द इंडल्जिंग इन पोची, तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से उनके अंदर विलेजर्स जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा कर रहे हैं कि वो आपके वेलफेयर के लिए ही है, ठीक है ना। विलेजर्स जो है वो अक्सर इन लोगों से क्लैश होते रहते हैं इनके, तो यही कह रहे हैं कि वो इनको एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो भी है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट जो है उनके वेलफेयर के लिए ही है, राइट। और उनका जो मकसद है उनको पोचिंग के अगेंस्ट उनका ये अभियान चलाना या उनके खिलाफ एक्शन लेना है, ठीक है ना, जो इनोसेंट विलेजर्स हैं उनको एक तरीके से इनको परेशान करना इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, चूंकि ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड बात थी और यहाँ पे ये मेंशन था नागर होल, बनेरघट्टा और बंदीपुर, ठीक है ना, तो इन तीनों की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए ये जो मैप है आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको पहले थोड़ा सा मैं, हाँ ये देखिए ये है आपका कर्नाटका, राइट, ये कर्नाटका है और यहाँ से ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की बाउंड्री, और ये केरला, केरला देखिए यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, तो ये पूरा आपका कर्नाटका है, ऊपर महाराष्ट्र दिख रहा होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन है। तो ये देखिए ये है बंदीपुर एकदम साउथ में, ठीक है, और थोड़ा सा आप इधर ईस्ट में जाएंगे तो ये बनेरघट्टा आप लोगों को देखने को मिलेगा, दिख रहे हैं बिल्कुल तमिलनाडु के बॉर्डर पे बनेरघट्टा, ठीक है, और ये बंदीपुर ये भी बॉर्डर ही पे है लेकिन नीचे है थोड़ी सी लोकेशन आप लोगों की, ये साउथ में इसकी, और ये थोड़ा सा अंदर ही आप लोगों को नागरहोल देखने को मिलेगा,
ठीक है ना। तो ये तीन लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखें। ठीक है, हमने देखा नागर होल, बंदीपुर और बनेरघट्टा, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और अगली न्यूज़ की तरफ, देखते हैं क्या है हमारे लिए। देखिए दोस्तों, फिर से एक हादसा हुआ है वैशाली समस्तीपुर में, और एक बोट जो थी कैप्साइज हो गई, पलट गई, और उसमें पांच बच्चे और पांच लोग मर गए, इंक्लूडिंग उसमें बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, तो एक फिर से हादसा देखने को मिला। और अभी हमने कल एक डिस्कस न्यूज़ की थी फार्मर्स से रिलेटेड, वहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ है उड़ीसा में, और ये किसकी वजह से हुआ है, पेस्ट अटैक की वजह से हुआ है। तो उस पर ये एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर कैबिनेट जो है उसको चेयर करेंगे ये, और कह रहे हैं कि वहाँ की जो पेस्ट अटैक और क्रॉप सिचुएशन है उसको ये लोग मॉनिटर करेंगे, राइट। तो ये कि बहुत ही वरी सिचुएशन है वहाँ के लिए, कि और वहाँ पे फार्मर सुसाइड काफ़ी बढ़ गए। देखिए लिख रहा है कि 2015 से लेके 200 फार्मर सुसाइड कर चुके हैं, ठीक है। और मेनली सुसाइड की वजह क्या होती है, क्रॉप लॉस और लोन बर्डन ही होता है, राइट। तो ये देखिए, हमेशा किसानों को ही ये सारा दर्द झेलना पड़ता है, ठीक है, और सुसाइड वगैरह भी उन लोगों को करना पड़ता है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए एक कर्नाटका के मिनिस्टर है, उनका ये इंटरव्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, थोड़ा सा ये क्योंकि टीपू की जो जयंती मनाई जा रही थी उस पर काफ़ी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, काफ़ी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है उनको। तो उनसे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो इन्होंने कहा कि बीजेपी क्या कर रही है, कि एक तरीके से पहले तो खुद ही बीजेपी सेलिब्रेट करती थी जब यहाँ पे पावर में थी, तो और अब हम जब उसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रहे हैं उसको, तो ये उसका विरोध कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है। इसके अलावा ये भी कहा, बीजेपी का माइंड सेट है सेल्फ अपॉइंटेड मॉरल एंड पॉलिटिकल सोशल आर्बिटर ये लोग हैं, और ये कहते हैं कि जो वो कहते हैं वही सही है, और जो वो गलत कहते हैं वही गलत है। ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बाकी देखिए एपी में आयरनी, देखिए एपी में कोई डीजीपी नहीं है, देखिए वहाँ पे तो उनसे अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा क्यों है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है प्रकाश सिंह केस, आप लोगों को पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखें, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केसेस, सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डीजीपी, राइट। 2006 का केस है, और यही वो प्रकाश सिंह है जिनकी वजह से पुलिस रिफॉर्म हुआ था, पुलिस रिफॉर्म की शुरुआत इन्होंने की थी, तो कुछ स्टेप्स भी इनके लिए लिए गए हैं इनके रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और तो वहाँ पे कोई डीजीपी नहीं है, हाँ। देखिए अल्कोहल की वजह से क्या होता है कि 10% जो डिजीज़ होती है वो अल्कोहल की वजह से होती है, ऐसा पाया गया। अल्कोहल अब्यूज़ कॉज 10% ऑफ डिजीज़ बर्डन इन यूथ। तो अगर अल्कोहल का सेवन कर रहे हो तो आप फिलहाल उसको कम कर दें या बंद कर दें, ठीक है ना, बंद ही कर दें। और लिख रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ अल्कोहल यूज इन यंग पीपल इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग 10% ऑफ द ओवरऑल बर्डन ऑफ डिजीज, राइट। और इसके अलावा लिख रहा है कि वजह भी लिख रहा है कि देखिए थोड़ा सा रेशियो इन्होंने डिस्कस किया है, अल्कोहल जो यूज़ होता है 38.3% मेन एंड 5.5% वुमेन हैव रिपोर्टेडली यूज्ड अल्कोहल एटलीस्ट वंस, ठीक है ना, एक बार इतने तो लोग यूज़ करते ही है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है, और सोशल एक्सेप्टेंस धीरे धीरे कह रहे हैं इनको मिलता जा रहा है। हुआ यूँ है कि 2/3 लिख रहे हैं कि जो फर्स्ट ड्रिंक शुरुआत होती है वो फैमिली से ही शुरुआत होती है, ठीक है ना, यानी 67.6% लोगों का कहना था कि फर्स्ट ड्रिंक की शुरुआत उनकी घर से ही हुई थी। तो एक तरीके से उसको सोशल एक्सेप्टेंस के तौर पे देखा जाता है, और ये सारी चीज़ें। और उसमें आगे कहा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैड देयर लिमिटेशन विथ आइदर फ्रेंड्स और फैमिली, फॉर मोस्ट मेन इट वॉज फ्रेंड्स, ठीक है, 63.8% ये फ्रेंड्स के साथ ये शुरू करते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें, और देखिए ये एक न्यूज़ है, हालांकि ये हमने टाइगर स्टॉक फियर इन कबनी, देखिए कर्नाटका में कबनी एक जगह है, वहाँ पे क्या हुआ है, जो लॉजेस और रिसॉर्ट है उनके पास ये टाइगर्स वगैरह और एलिफेंट वगैरह ने कब्जा कर लिया है, तो वहाँ पे 3 एलिफेंट है और ये टाइगर्स वगैरह है, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लिखा है अथॉरिटीज अडॉप्टिंग द वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉर नाउ, और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एलिफेंट्स, इनके नाम देखिए अर्जुन, अभिमन्यु और कृष्णा, ये तीनों, ठीक है। और इसके अलावा काबनी जो है ये पता है कहाँ पे, ये नागर होल, नागर होल में, नागर होल अभी हमने डिस्कस किया ना, अभी इस मैप में हमने डिस्कस किया था नागर होल, याद हो आपको, तो नागर होल कहाँ है, ये नागर होल है, राइट। तो ठीक है, फिर आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं,
ये देखिए एक न्यूज़ है, राइनो काफ शॉट डेड। एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहाँ पे राइनो को मार दिया गया और उसके बच्चे को भी, ठीक है। और ये पोचर ने ये काम किया है, और देखते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी देख लेते हैं कहाँ पे है। ये देखिए ये काजीरंगा की लोकेशन है, काजीरंगा है असम में, ये आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश ये भूटान है, असम, असम से देखिए ये बाउंड्री लगती है भूटान की, असम की बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से भी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं, काजीरंगा देखिए असम में है, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, एक कार्टूनिस्ट थे तमिलनाडु के, उनको टारगेट किया गया है, सीएम के खिलाफ उन्होंने कुछ लिखा था, ठीक है, लिखा नहीं था मतलब कोई कार्टून बनाया था, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इसके अलावा 22 साल का एक केस था, मूर्ति चोरी हुई थी तो इसको बेचा गया था ऑस्ट्रेलिया में 4 करोड़ की, उसको बस्ट कर लिया गया है उसको, ठीक है, पकड़ लिया गया उन लोगों को। और देखिए हमारे प्रेसिडेंट जो है काफ़ी एक्टिव है, और ये इन्होंने कल पार्टिसिपेट किया है WFI में, वर्ल्ड फूड इंडिया में। तो इन्होंने कहा है कि ज़रूरत इस बात की है कि जो क्रॉप वेस्टेज होते हैं उनको रोका जाए, राइट। आप सबको पता होगा कि हमारे वहाँ क्या होता है, अच्छे कोल्ड स्टोरेज या उनकी न होने की वजह से, या अच्छे तरीके से प्रिजर्व न करने की पोजीशन में बहुत सारे हमारे वहाँ वेस्टेज हो जाते हैं। लिखा है देखिए, 16% ऑफ इंडिया गुआवा क्रॉप इज़ वेस्टेड और 10% ऑफ द आवर मैंगो एंड एप्पल क्रॉप्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती है, तो इनको एक तरीके से रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि टर्मिंग द क्रॉप वेस्टेज इन द कंट्री अनएक्सेप्टेबली हाई, बहुत ज़्यादा है ये वेस्टेज, ठीक है। तो इसको राष्ट्रपति ने वहाँ पर ये कहा है, और इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। एक भाई ने हमसे कहा था कि आपने ये डिस्कस नहीं किया, ये डिस्कस नहीं किया। तो देखिए जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें 60 कंट्रीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, डेलीगेट्स फ्रॉम 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग CEOs ऑफ 60 ग्लोबल कंपनीज, ठीक है ना। 60 जो विश्व स्तर की कंपनियाँ हैं उनके CEO ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और WFI के इस इवेंट में, विच अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हरसिमरत कौर सा, 50 MOUs 50 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं 1.14 बिलियन, ठीक है ना, कि ये MOU साइन किए गए हैं, ये सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो न्यूज़ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाइक किया है अपने DA को, तो ये बिल को नोट मिल गया, एक तरीके से कैबिनेट का नोट मिल गया, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता जजों की थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बैंगन पल्ले मैंगूज गेट जी आई टैग, हमने डिस्कस किया था कल, एक AP के ट्वाय को मिला था, और ये डिस्कस कर रहे हैं बैंगन पल्ली मैंगोज को मिला है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि GI टैग क्या होता है। तो GI टैग देखिए, एग्रीकल्चरल नेचुरल या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को दिए जाने वाला, या किसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल को दिया जाने वाला एक टैग है, जिसमें क्या होता है कि उससे ओरिजिनेट जहाँ से ओरिजिन हुआ है उसकी, और उसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पता चलता है, ठीक है। और इसको एक तरीके से एक्सक्लूसिविटी प्रदान होती है, राइट। इसके अलावा GI क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है एक तरीके से, और क्योंकि प्रोटेक्शन इस बारे में करता है कि जो प्रोड्यूस है आपका उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता, उसके नाम का कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके अलावा लिख रहे हैं, इट आल्सो प्रोवाइड्स कंफर्ट टू कस्टमर्स अबाउट ऑथेंटिसिटी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एक ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन रहती है। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, और किन चीज़ों को ये दर्जा मिला है हम ये देख लेते हैं, राइट। तो आपको पता होगा फेमस बैंगन पल्ली मैंगोज आंध्रा का, इसके अलावा तुलई पंजी राइस है जो वेस्ट बंगाल का, उनको मिला मिला है, और इसके अलावा 5 और चीज़ें हैं जिनको मिला है, तो वो भी हम देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा ये कॉमन चीज़ें लिखी हुई है, जैसे दार्जिलिंग टी, तिरुपति लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर ऑरेंजेस, कश्मीर की जो पश्मीना है, इन सब चीज़ों को पहले ही GI टैग मिल चुका है। लेकिन अभी जो मिला है 5 को, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसमें देखिए है, पोचमपल्ली इकत ऑफ तेलंगाना, ठीक है, पोचमपल्ली इकत ऑफ तेलंगाना। दूसरी दूसरी दूसरा आइटम है गोविंदो भोग राइस ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तीसरा आइटम है दुर्गी स्टोन कार्विंग एंड एटीकोप्पका टॉयज ऑफ आंध्र प्रदेश, यही है AP का, अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ में था, ठीक है। ये टॉयज है तो इसका नाम याद रखें, एटीकोप्पका। और चौथा जो है वो क्या है, चकशेसांग शॉल ऑफ नागालैंड। तो ये 5 और ये 2, ये कौन से थे, ये तुलई पंजी का राइस, और इसके अलावा बेगर पल्ली मैंगो। तो इनको GI टैग
मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ज़रूर याद रखें। इसके अलावा देखिए, आधार को रेल स्टाफ की अटेंडेंस के लिए यूज़ किए जाने का प्लान बना रही है रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। वह यू होता यू है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेट आते हैं या नहीं आते हैं, तो उनके अराइवल को मॉनिटर करने के लिए, उनकी अटेंडेंस को मॉनिटर करने के लिए ये शुरुआत करने जा रही है। इसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, ठीक है। इसके अलावा बंगाल में देखिए ये प्लान कर रहे हैं मेडिकल जो स्टूडेंट हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, उनके मेडिकल स्ट्रेस जो है उसको कम करने के लिए, ईज करने के लिए कराटे का यूज़ करवाने की प्लान कर रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ के लड़के कह रहे हैं कि ये एक एब्सर्ड कदम है, ठीक है, कि ये इससे ये टाइक्वांडो और ये कोरियर मार्शल आर्ट है, तो वहाँ के लड़कों ने कहा है कि इस ये रिडिकुलस एफर्ट है, राइट। तो आगे देखिए एडिटोरियल, एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे आज, राइट, थोड़ी देर में। और ये देखिए कांग्रेस, जीएसटी, ये सारी चीज़ें, शर्मा रिचेज, देखिए जो दिनेश्वर शर्मा जो बनाए गए थे, क्या क्या बनाए गए थे, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, मैंने डिस्कस किया था ना, इनको मीडिएटर बना के भेजा गया है, एक दूत कह सकते हैं आप, ठीक है। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बना के जो भेजा गया है इनको, तो वो अब वहाँ पे 5 दिन के दौरे पे वहाँ पहुँच गए। इसके अलावा एक न्यूज़ है, पार्लियामेंट्री पैनल स्टडी डोकलाम इशू, डोकलाम इशू एक पे पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उसको डिस्कस कर रही है, राइट। तो इसमें देखिए हेड जो है इसके शशि थरूर है, तो शशि थरूर ने कहा है एक कि कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन चाइना इंडिया टाइज नेक्स्ट ईयर इज लुकिंग एट एक्सट्रीमली ट्रॉपिकल डोकलाम इशू, राइट। तो ये सारी बातें इन्होंने कही है। और इसमें देखिए थरूर ने कहा है, मिस्टर थरूर ने कहा है कि हम कौन सी इसको पूरी तरीके से कंप्रिहेंसिवली इस पे को लुक करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो कंसर्न है हमारे चाइना के साथ, जैसे टाइज जो है हमारी, ट्रेड टाइज जो है उसको भी दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल रिलेशन जो है उसको भी ध्यान में रखेंगे, कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल बॉडीज एंड द चाइनीज एटीट्यूड और इंडियाज मेंबरशिप बिड ऑफ एनएसजी जो है, इन सब चीज़ों को ये कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये सारी बातें इन्होंने कही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इंडिया यूक्रेन पैनल, ये मीटिंग होनी थी इंडिया और यूक्रेन की, शेड्यूल मीटिंग थी ये, इंडिया यूक्रेन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन 1 नवंबर को होनी थी, ये कैंसिल हो गई है, बस थोड़ी सी न्यूज़ थी। इसके अलावा यूके ने देखिए ये क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट जो इंडिया की थी, उसमें विजय वाल्या भी थे, तो इन्होंने क्या किया है, इनको एक्सट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट हमने की थी उसको इन्होंने वो कर दिया है, ठीक है। और इसमें देखिए कुछ लोग और शामिल हैं, इसमें देखिए संजीव कुमार चावला और अक्टूबर 16 एंड आल्सो डिस्चार्ज फ्रंट के साथ ब्रिटिश इंडियन आशा रानी अगुला, ये लोग भी थे, इनके खिलाफ भी एक्सट्रेडिशन के इनके की रिक्वेस्ट की गई थी, इसको क्या किया इन्होंने, बना कर दिया, ठीक है। और अगली जो न्यूज़ है, होप क्वाड्रिलेटरल विद नॉट अगेंस्ट अस चाइना, तो ये कह रहे हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल जो है मीटिंग जो हो रही है इंडिया यूएस जापान और किसकी, इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया की, राइट। तो ये कह रहे हैं, चाइना कह रहा है कि हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये मीटिंग जो होगी वो हमारे खिलाफ नहीं होगी, ठीक है ना, हमारे अगेंस्ट नहीं होगी, तो थोड़ा सा उसको कंसर्न है इससे। और ये कह रहे हैं कि इनकी जो मीटिंग होगी ये जो है इसको टारगेट या डैमेज नहीं करेगी थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट का मतलब वो खुद ही को कह रहा है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो मीटिंग होगी वो होनी चाहिए लेकिन वो हमारे अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। और देखिए आगे लिख रहे हैं कि द यूएस वाज लुकिंग एट द वर्किंग लेवल क्वाड्रिलेटरल मीटिंग एट ऑफर कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड अल्टरनेटिव टू प्रेडेटरी फाइनेंसिंग ऑन और अनसस्टेनेबल डेट द स्टेट डिपार्टमेंट हेड सेड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है, ये जो मीटिंग हो रही है क्वाड्रिलेटरल मीटिंग, ये इंडो पैसिफिक के में एक अल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए हो रही है, क्योंकि प्रीडेटरी फाइनेंसिंग, तो प्रीडेटरी फाइनेंसिंग रिलेटेड ये टर्म चाइना के लिए ही यूज़ होता है, क्योंकि चाइना क्या होता है, प्रीडेटरी फाइनेंसिंग उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ अपना हित का ख्याल किया जाता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता है, राइट। तो यही सारी चीज़ें इन्होंने कही है। और आगे बढ़ते हैं, हाँ ये देखिए, नेवी टू यूज़ यूएस एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम इन शिप, तो एक तरीके से यूएस क्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को यूज़ करने वाली है शिप में। और इसका मैकेनिज्म है, देखिए ये पहले जो यूज़ किया जाता था इसका नाम है सी कैटोबार कहते थे इसको, ठीक है, कैटोबार का मतलब हुआ क्राफ्ट लॉन्च, नहीं, कैटापुल्ट बेस्ड एयरक्राफ्ट लॉन्च मैकेनिज्म फ्रॉम द यूएस फॉर इट्स सेकेंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो ये
इंडिया हैज़ बिन एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द यूएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलेक्ट्रा। तो अब इसको क्या कर रहे हैं कि अब ईमेल्स को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। ईमेल्स क्या है, द यूएस हैज़ ऑफर्ड इंडिया लेटेस्ट ईमेल्स टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाई, ये देखिए जनरल एटॉमिक्स के द्वारा जो ये टेक्नोलॉजी वो की गई है, ठीक है, डेवलप की गई है। और ये कह रहे हैं कि देखिए दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। वाइल द ओल्ड ये कैटोमार जो है ये पावर्ड स्टीम से ये पावर्ड होता था, ठीक है, जबकि ईमास जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइविन है, ठीक है, दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं। ये स्टीम से होता था और ये इलेक्ट्रिक मोटर पावर्ड है। तो विच अलाउज द लॉन्च ऑफ द मच हैवियर एयरक्राफ्ट, तो ये बहुत हैवियर एयरक्राफ्ट को भी ये क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है, ठीक है। ईमल्स विल अलाउ अस टू ऑपरेट हैवी सर्विलांस एयरक्राफ्ट इन एडिशनल हैवी फाइटर। तो ये सारे इसके थोड़े से मतलब एडवांटेज हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, और इसमें देखिए आगे ये लिखा हुआ है, इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक कैरियर विक्रांत वेइंग 4,000 टन इज एन एडवांटेज ऑफ इन एडवांस स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज कोची इज शेड्यूल टू बी लॉन्च 2018 एंड में, ये इसको लॉन्च किया जाना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा ये INS विक्रांत के बारे में, राइट। तो INS विक्रांत की बात करें तो ये देखिए INS विक्रांत, INS विक्रांत क्या है, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का और फर्स्ट विक्रांत क्लास का कैरियर है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड के केरला में इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया था, और ये सारी बातें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दो एक्चुअली इसके वर्जन है, ये देखिए 2013 का वर्जन है और ये R11 है। INS विक्रांत ये देखिए मजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी का, और HMS हरकुलस द शिप वॉज लेड डाउन एज HMS, इनको रॉयल नेवी में World War II के दौरान इसको शामिल किया गया था। HMS हरकुलस पहले इसका नाम था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, और इसको यूज़ भी किया था इंडो पाकिस्तान वार 1971 में, ठीक है ना। तो बढ़े आगे, ये देखिए पूरी डिटेल वही दी हुई है सऊदी क्राउन से रिलेटेड, क्या क्या कब कैसे हुआ, ये सारी चीजें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल। और देखिए जो पिजमोंट जो थे, जो कैटलन्स के लीडर थे जिन्होंने ऑटोनॉमी की वो की थी, ये डिमांड की थी, और यही वहाँ के मेन लीडर थे, तो इन्होंने क्या किया है, बेल्जियम में ये इन्होंने शरण ली हुई थी, तो इनके खिलाफ चूंकि अरेस्ट वारंट था तो वहाँ पे इन्होंने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। तो बस इतना ही जाने, कुछ खास नहीं है इसमें। और ट्रम्प जो है वो अपने इनका जो दौरा है 12 दिन का जो दौरा है एशिया के ट्रिप पे, तो ये वहाँ पे पहुँच गए हैं, कहाँ पे, जापान में, राइट। तो अब देखते हैं क्या होता है। मेन यहाँ पे जो इस न्यूज़ में मेन ये लिखा गया है कि इनका जो मेन टारगेट है वो कोरियाई है, तो ये जापान की एक तरीके से हेल्प ले रहे हैं कोरिया को काउंटर करने के लिए, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया। इसके अलावा नोट बैन से रिलेटेड देखिए, नोट बैन जो है उसमें लिख रहे हैं कि 17,000 करोड़ जो है उसमें से फर्म्स ने है, यानी कंपनियों ने उसमें 17,000 करोड़ उसमें डाले और 17,000 करोड़ निकाल भी लिए। तो एक तरीके से ये बहुत मतलब नोटबंदी जो हुई थी, मतलब एक तरीके से ये कुछ वैसे ही पैसे रहे होंगे ना जो इनके पास, मतलब ब्लैक मनी तो रही होगी, क्योंकि इन्होंने 17,000 करोड़ रुपये एक तरीके से डेबिट भी किया और उसका क्रेडिट भी हो गया। तो यही लिख रहा है कि 17,000 करोड़ वाज डिपॉजिटेड एंड विदड्रॉन पोस्ट डिमोनिटाइजेशन बाई 35,000 कंपनी, ठीक है ना, 35,000 कंपनियों के द्वारा ये सब किया गया। और इसके अलावा ये कह रहे हैं फर्दर सेड दैट 2.24 लाख कंपनियों को स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ये सारी कंपनियां थी जिनका ये इनएक्टिव थी, ठीक है ना, 2 साल तक ये इनएक्टिव थी, कोई इन्होंने ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं किया था, तो इनको क्या कर दिया गया है, इनको स्टक ऑफ कर दिया गया है, राइट। और इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम 56 बैंक शोड इन रिस्पेक्ट दैट 35,000 कंपनी इन्वॉल्विंग 58, देखिए 35,000 कंपनियों के 58,000 अकाउंट थे, ठीक है ना, 35,000 कंपनीज और 58,000 अकाउंट, और मोर देन 17,000 करोड़ वॉज डिपॉजिटेड एंड विदड्रॉन पोस्ट डिमोनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें ये कह रहे हैं। और इसके अलावा देख रहे हैं कि इसके अलावा अब देखिए गवर्नमेंट कह रहे हैं कि अब इनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी गवर्नमेंट अब कर्व कर रही है, ठीक है। बिसाइड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक अकाउंट एक्शन हैड ऑल्सो बिन टेकन टू रिस्ट्रिक्ट सेल एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस पर भी अब एक्शन लिया जाएगा। तो ये नोटबंदी
डिमोनेटाइजेशन। अगली न्यूज़ जो है ये पीएसयू को जो 70,000 करोड़ रुपए मिलने हैं रिकैप के थ्रू, आपको पता होगा 2.11 लाख का रिकैपिटलाइजेशन करने का गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था, इन्फ्यूज़ करने का प्लान बनाया था, तो उसमें ये दिख रहे हैं कि जो 70,000 करोड़ उनको मिलने हैं, ठीक है ना। तो ये 2.11 लाख करोड़ ये 2 साल में मिलने हैं, ठीक है ना, आप याद रखें। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा कहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्फ्यूज 70,000 करोड़ थ्रू रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इन द एनपीए हिट पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ये कह रहे हैं कि एनपीए हिट, चूंकि एनपीए की बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे, तो इनके लिए स्टेप लिया गया था इन्फ्यूज़न का, और उसमें 70,000 करोड़ फिलहाल इनको मिलेगा, राइट। तो लास्ट मंथ फाइनेंस मिनिस्ट्री 2.11 लाख करोड़, 2 ईयर्स रोड मैप, राइट। मैंने कहा ना 2 साल का ये प्लान है, और पब्लिक से द प्लान इंक्लूडेड द रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड ऑफ, तो ये इसमें 1.35 लाख करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड होगा, इसमें शामिल होगा, राइट। और ये थोड़ी सी डिटेल एनपीए की देख लेते हैं, एनपीए फिर से बढ़ता जा रहा है, 2.75 लाख करोड़ था 2015 को, अब 7.33 लाख करोड़ हो गया 2017 में, तो देख रहे हैं कितनी तेजी से एनपीए बढ़ रहा है। और इसके अलावा देखिए एनपीए की बात की हमने, और प्राइवेट फर्म्स लाइकली टू गेट 60% ऑन ओएनजीसी फील्ड, तो प्राइवेट फर्म्स जो है उनको 60% शेयर देने की बात कर रही थी ओएनजीसी फील्ड में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रख सकते हैं कि मतलब अब ओएनजीसी में प्राइवेट फर्म को एक तरीके से अलाउ किया जा रहा है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन एडिटोरियल सेशन, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स।